सभी लोगों को अवगत करवाया था एक ऑपरेशन जो मैंने यहाँ आके चलाया है, जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन जीवनदान। जी जी। उस ऑपरेशन के तहत मैंने ये कहा था कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो NDPS के पेडलर्स के खिलाफ करेंगे, जिसके अंदर प्रॉपर्टी अटैचमेंट विल बी आर कोर फोकस। उसी तरीके से जब से मैंने ज्वाइन किया, सभी SHOs को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस जो है वो लगातार दी गई कि NDPS जो है वो हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए, स्पेशली इन कटरा एंड रियासी। अभी तक उसी के तहत हम अराउंड 21 FIRs ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और 31 अक्यूज हमारे अरेस्टेड हैं। उसी के साथ साथ 6 लोग भी NDPS के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाले जा चुके हैं। हमारे इस ऑपरेशन के थ्रू हम ये भी नहीं चाहेंगे कि जो बच्चे पेडलिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं बट कंज्यूम कर रहे हैं और वो विक्टिम्स हैं, एक तरह से उनका जो घर है वो ख़राब हो रहा है, उसके लिए हमने हम लोगों के साथ भी जो मीटिंग्स करते हैं और मैं भी जितनी बारी भी उनसे बात करती हूँ, मैं उनको यही बोलती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी विल ऑलवेज ट्रीट देम एज विक्टिम्स, प्रोवाइडेड कि वो आगे बेचने में इन्वॉल्व नहीं है। इसके लिए मैं और DC साहब वी आर वर्किंग ऑन इट, और हमारी रेगुलर एनकॉर्ड की मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। वेरी सून आई थिंक वील बी एबल टू ओपन 1 ड्रग एडिक्शन सेंटर हियर इन रियासी यूथ, और अगर हमारा यूथ अच्छे तरीके से अपने पैरों पे खड़ा है तो आई थिंक जो ये पाकिस्तान के ये जो गलत मंसूबे हैं हमारी जनरेशन को ख़राब करने के लिए, ये सारे मंसूबे हम खुद ही नाकाम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सो ऑल दी SHOs, ऑल दी SDPOs, द एडिशनल SPs, दे हैव बीन गिवन फ्री हैंड इन दिस, दैट द अल्टीमेट एम इज़ टू ब्रिंग दिस मेनेस as much down as possible, and we are working on this and we will be able to see results by the end of the year. नमस्कार, NH1 News में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु शर्मा। ड्रग मैनेस, जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ड्रग मैनेस जो है वो फैलता जा रहा है, युवाओं में ड्रग अब्यूज बढ़ता जा रहा है और यही हाल रियासी डिस्ट्रिक्ट का भी है। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। कल रियासी पुलिस ने एक ड्रग पेडलर की 50 लाख रुपए के करीब की प्रॉपर्टी अटैच कर दी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर था और आज हम SSP रियासी मोहिता शर्मा जी से ड्रग्स के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर जो कल हुआ है क्या वो और होगा, क्या स्टर्न वार्निंग ड्रग पेडलर्स के लिए अब आने वाले समय में और देखने को मिलेगी और क्या कुछ किया जा रहा है ड्रग अब्यूज़ को रोकने के लिए। मैम, सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका NH1 न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। मैम, कल बड़ा अनएक्सपेक्टेड हुआ क्योंकि सब परेशान हैं ड्रग मैनेज से। आपने भी खुद जब से आप रियासी आई होंगी आपने नोटिस किया होगा, रैलीज भी यहाँ पर निकली हैं ड्रग के जो स्प्रेड जिस तरह से हो रहा है उसको रोकने के लिए। और कल पुलिस ने कुछ ऐसा किया कि सोशल मीडिया पे पुलिस की तारीफ जो है वो होने लगी क्योंकि हर कोई चाहता था ऐसा कुछ हो। आने वाले दिनों में क्या कुछ और ऐसा देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था और मैं फ़र्स्ट टाइम एक मीटिंग के थ्रू एड्रेस किया था कटरा के रहने वाले लोगों को, सेम जब मैंने रियासी में एक PCPG मीटिंग करके सभी को अपना फर्स्ट एड्रेस दिया था, उसमें भी मैंने एक सभी लोगों को अवगत करवाया था एक ऑपरेशन जो मैंने यहाँ आके चलाया है, जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन जीवनदान। जी जी। उस ऑपरेशन के तहत मैंने ये कहा था कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो NDPS के पेडलर्स के खिलाफ करेंगे, जिसके अंदर प्रॉपर्टी अटैचमेंट विल बी आर कोर फोकस। उसी तरीके से जब से मैंने ज्वाइन किया, सभी SHOs को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस जो है वो लगातार दी गई कि NDPS जो है वो हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए, स्पेशली इन कटरा एंड रियासी। अभी तक उसी के तहत हम अराउंड 21 FIRs ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और 31 अक्यूज्ड हमारे अरेस्टेड हैं। उसी के साथ साथ 6 लोग भी NDPS के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाले जा चुके हैं।
अभी तक हम 100 ग्राम तक का चिटा जो है वो रिकवर कर चुके हैं, और भी NDPS में टैबलेट्स अराउंड 4000 टैबलेट्स हम रिकवर कर चुके हैं। चरस, पॉपी स्ट्रॉ, वो सब जो है वो काफ़ी केजीस में हम लोग बरामद कर चुके हैं। जी। जब हम प्रॉपर्टी अटैच करते हैं तो उसमें दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, एक कि जो पेडलर अक्यूज्ड हमने पकड़ा है उसके नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इस केस के अंदर जो कि FIR नंबर 43/2024 है, इस केस के अंदर ये जो बाप बेटे हैं ये दोनों इन्वॉल्व्ड थे NDPS की पेडलिंग में, और जब हमने इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स के बारे में पता किया तो वो पता चला कि उनके अपने नाम पे ही वो प्रॉपर्टी है, जिससे कि हमें आसानी हो गई उनको अटैच करने में। इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो आगे भी इन पेडलर्स के ऊपर लगातार होती चली जाएगी। मैम, ऐसे जो केसेस हैं हम देखते हैं कि जो पास्ट में रहा है कि पकड़े जाते हैं, फिर बेल हो जाती है, या फिर इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं नहीं पहुंच पाती जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। SSP रियासी, आपका क्या फोकस रहेगा कि जैसे कुछ लोगों को पकड़ा तो उनका जो मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचने की भी क्या रियासी पुलिस कोशिश कर रही है? देखिए, इन सारे केसेस के अंदर हमारा जो फोकस है वो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस तक पहुँचने का। अब कई सारे केसेस इस तरीके के, सिंस दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, मैं उनको डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगी, बट यहाँ पे अब केसेस चलान नहीं किए जाते तब तक मैं उन पे साइन नहीं करती हूँ फाइनल, जब तक मुझे ये पता ना हो कि हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस निकाल लिए हैं। अगर किसी कारण से बैकवर्ड लिंकेज या फॉरवर्ड लिंकेज हम नहीं निकाल पाते हैं तो हम उसका सप्लीमेंट्री चार्जशीट करते हैं, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे भी जारी रहे जब तक हम उस बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंक तक फाइनली पहुंच ना जाए। तो एक हमारा इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा देने का एक ये हमने तरीका निकाला है। बाकी जो आपने कहा बेल में छूट जाते हैं, वो लॉ इस तरीके का है कि अगर स्मॉल क्वांटिटी हम पकड़ें तो वो बेल उनको बाय डिफ़ॉल्ट कोर्ट से मिल जाती है। जो मेन हम फोकस कर पा रहे हैं या जिन पे हम ज़्यादा सख्त कार्रवाई कर पाते हैं वो है वो लोग जो कि इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़े जाते हैं। अब लॉ ही इस तरीके का है तो बेल को तो हम भी डिनाई नहीं कर सकते और ना ही कोर्ट डिनाई कर सकता है। बट यस, हमारे इस ऑपरेशन के थ्रू हम ये भी नहीं चाहेंगे कि जो बच्चे पेडलिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं बट कंज्यूम कर रहे हैं और वो विक्टिम्स हैं, एक तरह से उनका जो घर है वो ख़राब हो रहा है, उसके लिए हमने हम लोगों के साथ भी जो मीटिंग्स करते हैं और मैं भी जितनी बारी भी उनसे बात करती हूँ मैं उनको यही बोलती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी विल ऑलवेज ट्रीट देम एज विक्टिम्स, प्रोवाइडेड कि वो आगे बेचने में इन्वॉल्व नहीं है। और अगर वो विक्टिम है तो उनकी हर तरीके से मेडिकल हेल्प, साइकोलॉजिकल हेल्प उनको दी जाएगी। जो हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खुले हैं उसमें उनको भेजा जाएगा। एंड आई एम रियली हैप्पी टू से कि मेरे पास भी डायरेक्ट फोन्स आए हैं कुछ पेरेंट्स के जिन्होंने सामने से अप्रोच किया है कि हमारा बेटा जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, वो कंज्यूम कर रहा है, वो आगे बेच नहीं रहा और हमें आपकी मदद चाहिए। तो उनको हमारी एक प्रॉपर टीम लगी है उनके पीछे और उनको हेल्प करने के लिए हमने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में भी बात करी थी, जम्मू में और श्रीनगर में। तो श्रीनगर में सिंस बेड्स वर नॉट अवेलेबल बट जम्मू में उस बच्चे का एडमिशन किया गया और अभी वो मेडिकल केयर, मेडिकल हेल्प के अंडर रिकवर हो रहा है। मैम, ये भी मांग है लोगों की एज द स्प्रेड इज़ क्वाइट यू नो स्विफ्ट, कि रियासी में भी ऐसे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ कि खोले जाएँ, तो उसको लेकर क्या आपकी तरफ से पहल रहेगी? इसके लिए मैं और DC साहब वी आर वर्किंग ऑन इट और हमारी रेगुलर एनकॉर्ड की मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। वेरी सून आई थिंक वील बी एबल टू ओपन वन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हियर इन रियासी इटसेल्फ। मैम, द एग्जाम्पल हैज़ बिन ऑलरेडी सेट, जो कल हुआ, जो कल प्रॉपर्टी अटैच की गई, आपका क्या एक्सटर्न मैसेज ड्रग पैडलर्स के लिए जो हमारे युवाओं को ख़राब करने में लगे हैं, सोसाइटी को ख़राब करने में लगे हैं, उनके लिए क्या रहेगा?
यही रहेगा कि एटलीस्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर दे विल नॉट बी स्पेयर्ड एंड वी विल गो अप टिल द लास्ट मैन अवेलेबल हु इज़ डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड ट्राइंग टू यू नो मलाइन एंड टेक आर जेनरेशन टू मतलब डाइवर्ट देम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ टू दिस काइंड ऑफ अ थिंग दे विल नॉट बी स्पेयर्ड एट एनी कॉस्ट। मैम यूथ भी सुन रहा है, यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा कि किस तरह से वो अपने आप को बचाएं? मैं समझती हूँ कि यूथ के पास आजकल दे हैव एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल इन लाइफ। देयर कैन बी सम थिंग्स, हो सकता है उनकी लाइफ में किसी वजह से वो परेशान हैं, दुखी हैं, नौकरी नहीं लग रही, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे, मैं मानती हूँ उस दिन मैं बात भी कर रही थी किसी से, दैट जो सोशल मीडिया है हम उसको मानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लोगों को लेके जा रहा है, बट आई फील कि इतना इफ़ वी आर एबल टू टेक इट इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड तो वो इतना ख़राब नहीं कर रहा है। पीपल आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी बाय बिकमिंग इन्फ्लुएंसर्स एंड दिस हैज़ बिकम अनदर काइंड ऑफ अ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु आर टैलेंटेड। एंड मैं समझती हूँ यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है बच्चों में, स्पोर्ट्स है उसके अंदर मैंने बच्चों को देखा है, क्रिकेट में वहाँ कटरा प्रीमियर लीग हुई थी, यहाँ पे भी स्टेडियम में आए दिन मैचेस चलते रहते हैं। दी टैलेंट इज़ अनॉमस, वी जस्ट नीड टू डायरेक्ट देम इन अ पॉजिटिव वे। और ये सारे जो माध्यम आजकल निकल के आ रहे हैं ये पहले के टाइम पे नहीं होते थे, बट आज ये एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी बन चुका है। सो रादर देन गेटिंग themselves involved in a menace like drugs which will ultimately not get them anything, उनका घर खराब हो जाएगा, उनका परिवार खराब हो जाएगा, इस एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है जिसके लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने हैं। अल्टीमेटली अपने आप को स्टैंड करना इज़ दी फोकस ऑफ द एंटायर यूथ, और अगर हमारा यूथ अच्छे तरीके से अपने पैरों पे खड़ा है तो आई थिंक जो ये पाकिस्तान के ये जो गलत मंसूबे हैं हमारी जनरेशन को ख़राब करने के लिए, ये सारे मंसूबे हम खुद ही नाकाम कर सकते हैं। मैम एक सवाल और पूछना चाहूँगा, हीरोइन या चिट्टे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इट रीच सिटीज़ वेरी फास्टली वेरी स्विफ्टली क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा है, ख़रीदार ज़्यादा हैं, लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि रियासी की ही बात करूँ, टेरेन बिल्कुल डिफ़िकल्ट है रियासी डिस्ट्रिक्ट का, काफ़ी जगह का, लेकिन वहाँ पर भी चिट्टा पहुँच गया है एंड इवेंचुअली वॉट इज़ हैपनिंग द कंज्यूमर इज़ बिकमिंग पेडलर, तो इसके लिए रियासी पुलिस के क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए हमने इनको कैटेगराइज किया है, सारे जितने भी हम पकड़ते हैं बच्चे भी उसमें कई ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको कैटेगराइजेशन किया है इनटू कंज्यूमर प्लस पेडलर, दोज हु आर ओनली कंज्यूमर्स एंड दोज हु आर ओनली पेडलर्स। आई बिलीव दैट द वंस हु आर ओनली पेडलर्स इज द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ कैटेगरी, क्योंकि वो ठीक हैं, दे आर मेकिंग दिस पेडलिंग एज अ बिजनेस एंड दे आर फ्लरिशिंग themselves, बट एट द सेम टाइम दे आर डिसओरिएंटिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग द यूथ ऑफ द कंट्री। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा नकेल कसने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है कंज्यूमर प्लस पेडलर की, ये बच्चे गरीब बच्चे हैं, इनके पास काम करने का कोई स्कोप नहीं है या इनको कहीं नौकरी नहीं मिली हुई है, उस वजह से ये नशा करते हैं। अब वो नशे के पैसे कहाँ से आएँ, तो उस चीज़ के लिए ये पेडलिंग में पड़ जाते हैं। बट इफ़ वी आर एबल टू कंट्रोल द सोर्स ऑफ इट विच इज़ द मेन पेडलर्स हु आर एक्चुअली गिविंग देम द हेरोइन एट द फर्स्ट प्लेस, आई थिंक वो अगर हमारा फोकस रहेगा तो हम काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ पेरेंट्स दे नीड टू बी अवेयर, टीचर्स दे नीड टू बी अवेयर, ये सिर्फ पुलिस के करने से कुछ नहीं होगा, इसके अंदर पूरी सोसाइटी एज अ होल दे नीड टू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ अ थिंग, तो तभी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल पाएंगे। अगर टीचर्स को पता है कि यहाँ पे ये बच्चा जो है ये धीरे धीरे देखते देखते काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था और धीरे धीरे ये अब नशे में रहने लगा है, दैट पर्टिकुलर टीचर नीड्स टू इन्फॉर्म दी पेरेंट्स, दे नीड टू इन्फॉर्म फर्दर टू अस, एंड एज आई हैव सेड कि वो विक्टिम की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। सेम गोज़ विद द पेरेंट्स, सेम गोज़ विद द सोशल एक्टिविस्ट, द मीडिया,
एज अ होल, उन सबको भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो कहीं रुकना नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन जब तक आती रहेगी तो इसके अंदर हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो फिर ये पुलिस के लिए भी और बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। तो एज अ सोसाइटी आई थिंक वी नीड टू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस। एज यू सेड कि अभी सिटीज़ के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहाँ डिमांड है, डिमांड को रोकना हमारा काम है। बिल्कुल। वो पाकिस्तान उधर से भेजा जाए, भेजता रहेगा ये सारी चीज़ें, पर अगर यहीं पे उसकी डिमांड नहीं होगी तो वो किसको भेजेगा। दैट शुड बी आर अल्टीमेट एम फॉर द फ्यूचर। मैम, फ्यू वर्ड्स अबाउट अवर एनिमी पाकिस्तान, हु इज ऑन द वर्ज टू स्पॉइल द फ्यूचर ऑफ अवर सोसाइटीज। देखिए, दिस इज आईड कॉल अ स्टेट स्पॉन्सर्ड कोवर्ट काइंड ऑफ अ टेररिज्म विच इज नॉट विजिबल एट द फर्स्ट हैंड, बट येस वी ऑल नो एंड दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम। काफ़ी सालों से उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। When I was in Ramban, you must be knowing that we apprehended around 35 kg of heroin. That route was also from Pakistan. So we know that this is happening by a country as a whole. And again, I'd say as district police, as other law enforcement agencies, as NCB, we are all as a team working on it. But again, demand. Demand is there, that is why the supply is coming. We need to somehow deplete the demand here so that even if they keep sending this, it doesn't reach the hands of the people around. मैम, पुलिस की बात करूँगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट की ही, खासकर आपने खुद रियासी और कटरा का नाम लिया, तो हैज़ दे बीन गिवन अ फ्री हैंड टू डील विद सच काइंड ऑफ मैनेस जो आज है? Absolutely, there is no doubt about it. So all the SHOs, all the SDPOs, the additional SPs, they have been given free hand in this, that the ultimate aim is to bring this menace as much down as possible. And we are working on this and we will be able to see results by the end of the year. हमसे बात करने के लिए शुक्रिया मैम। Thank you so much. तो ये थी IPS मोहिता शर्मा, SSP रियासी डिस्ट्रिक्ट। और टाइम अब आ चुका है कि ड्रग पेडलर्स से, जो आज भारत के भविष्य को, जम्मू कश्मीर के भविष्य को, रियासी डिस्ट्रिक्ट के भविष्य को ख़त्म करने पे तुला हुआ है, उनसे लोहा लिया जाए। और आपने खुद सुना कि SSP मोहिता शर्मा ने कहा कि फ्री हैंड अब पुलिस को दिया जा चुका है, और सिर्फ पेडलर्स को ही नहीं, इनका बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो भी तरीका है, जो भी एंड है, उसे मीट किया जाएगा। और डिमांड को टैकल करना ही पुलिस का काम है, और वो बाखूबी पुलिस कर रही है। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, रियासी जम्मू से।